नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पाक सेना ने किया था भारतीय दूतावास पर हमला। अफगानिस्तान के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दावा किया है कि पिछले हफ्ते मजारे शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी शामिल थे। बाल्ट प्रांत के पुलिस प्रमुख सैयद कमाल सादत ने कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा और मैं 99% कह सकता हूं कि वे हमलावर पाकिस्तानी सेना में थे और उन्होंने अपने अभियान को पूरा करने के लिए खास तरकीब का इस्तेमाल किया। सादत ने कहा कि हमलावर सीमा पार के अधिकारी थे, अच्छी तरह प्रशिक्षित सैन्य कर्मी थे जिन्होंने 25 घंटे के घेराव के दौरान अफगान सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष किया। टोलो न्यूज के अनुसार सादत ने कहा कि वे शिक्षित और पूरी तरह से तैयार थे और उनके पास खुफिया जानकारी भी थी। केजरीवाल बोले, जेटली का वाद राजनीतिक दुश्मनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि डीडीसीए विवाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा उनके तथा आपके पांच अन्य नेताओं के खिलाफ दायर दीवानी मानहानि वाद राजनीतिक दुश्मनी का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य उन्हें परेशान करना और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाना है। केजरीवाल ने ये बात उच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में अपने लिखित बयान में कही। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें तथा अन्य आप नेताओं को उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रोकने के लिए उन्हें प्रताड़ित करने, दबाव बनाने और परेशान करने की द्वेषपूर्ण मंशा के साथ वाद दायर किया गया है। महंगा हुआ अमेरिकी वीजा। अमेरिका ने लोकप्रिय H-1B और L-1 वीजा की कुछ श्रेणियों के शुल्क में बड़ी वृद्धि की। इसे भारतीय आईटी कंपनियों पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस ने कहा कि H-1B वीजा की कुछ श्रेणियों के लिए आवेदकों को 18 दिसंबर 2015 के बाद की स्थिति में अतिरिक्त $4,000 शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा जो लोग कुछ खास L-1A और L-1B के लिए आवेदन दे रहे हैं उन्हें अतिरिक्त $4,500 का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त शुल्क उन आवेदकों पर लागू होगा जो अमेरिका में 50 या उससे अधिक कर्मचारी काम पर रखते हैं।